दोस्तों हमारे पास फ़ोन है वीवो Y12। चार्जिंग लगाने पे हमारा कुछ इस तरह से लिख रहा है। देखिए दोस्तों, देखिए लिख रहा है अनेबल टू चार्ज पे, प्लीज़ कांटेक्ट आवर आफ्टर, ऐसे करके लिख रहा है दोस्तों। तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बैक पैनल को गर्म करेंगे, और उसके बाद बैक पैनल को गर्म करने के बाद इसको ओपन करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा दोस्तों। देखिए हम बैक पैनल को ओपन कर रहे हैं हीट करने के बाद, ज़्यादा हीट नहीं करना है दोस्तों, बैक पैनल को नॉर्मल हीट करके इसको ओपन करना है। उसके बाद हम आपको बताते हैं, वीडियो में बन रहेगा, वीडियो थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद देखिए हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा दोस्तों। ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है दोस्तों, और उसके बाद जितने हमारे सारे स्क्रू हैं, पहले हम स्क्रू को सब ओपन कर लेते हैं। जितना हमारा स्क्रू लगा है चारों तरफ से देख के सारा स्क्रू निकालते हैं दोस्तों। वीडियो में बन रहिएगा, देखिए हमारा निकल गया है। और उसके बाद जो हमारा ये देखिए पावर का जितना भी हमारा पट्टा इसमें लगा है, देखिए देखिए चार्जिंग पिन का जो है पट्टा, और उसके बाद बैटरी का कनेक्टर का पट्टा जो है, और उसके बाद ये देखिए फोल्डर का पट्टा, और उसके बाद साइड में पावर की का पट्टा, जो जितना पट्टा इधर लगा है सब इसको निकालते हैं। इसको निकालने के बाद फिर हम इसके मदरबोर्ड को निकालेंगे दोस्तों। ये सब साइड में कर दीजिए, सबसे पहले जितना भी हमारा कनेक्टर है साइड में कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मदरबोर्ड का एक स्क्रू, एक दो स्क्रू लगा हुआ मदरबोर्ड में, वो भी हमको निकालना है। निकालने के बाद मदरबोर्ड को ओपन करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमारा सब कुछ स्क्रू लगता है निकल गया है, और उसके बाद हम इसको उखाड़ते हैं, मदरबोर्ड को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों आराम से एकदम धीरे से हमारा जो है मदरबोर्ड निकल गया है, और उसके बाद हमारा जो जितना सारा कनेक्टर है चार्जिंग वाला है, और जितने भी कनेक्टर हैं यहाँ पे देखिए जो कनेक्ट किए गए हैं, सब साफ़ कर दीजिए को अच्छी तरह से। साफ़ करने के बाद फिर से उसको उसी में सेट कर देते हैं दोस्तों, जैसा है उसमें सेट कर देते हैं। ये दोस्तों प्रॉब्लम आया था कहीं, या तो रिपेयरिंग के लिए गया होगा, या तो कोई प्रॉब्लम है इसलिए गया होगा, तो ऐसा प्रॉब्लम आया है। तो हमने सॉफ्टवेयर इसको अपडेट कर किया फिर भी सही नहीं हुआ, रीसेट किया फिर भी सही नहीं हुआ, तो हमने सोचा कि इसको क्लियर करके देखते हैं एक बार, अगर नहीं सही होगा तो आगे का प्रोसेस करके दिखाएंगे। अब देखिए हमने क्लियर कर दिया है सब कुछ, अब उसको चेक करके हम दिखाते हैं, देखिए हमारा चार्ज होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं चार्ज होगा तो आगे का प्रोसेस हम आपको बताएंगे दोस्तों। देखिए हमारा यहाँ पे चार्जिंग दिखने लगा है, चार्जिंग दिखने लगा है दोस्तों, अभी देखते हैं चार्ज होता है कि नहीं। वीडियो में बन रही है, यहाँ पे देखिए चार्जिंग होने लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऐसी धमाकेदार वीडियो हम लाते रहेंगे दोस्तों आपके।